Like we saw in last section, that there are a lot of uh, political and economic realities that make the energy available, and therefore, what are the consequences of that available energy? Uh, we saw the floods from uh, 2022, and this is not only happening in, 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 in Pakistan. you go around. There was a huge flood in China. Uh, there were several floods in, in Germany. two years ago, 2020, there was a huge flood, which killed a lot of people and damage, made a lot of damage. So uh, but what to do? Because uh, only ten percent of the energy is coming from renewable sources; ninety percent still coming from non-renewable sources that emit carbon dioxide that cause all this havoc on Earth. If you look at the Earth's economies, right, big economies, you can see that there are, as it is shown in the slide, that Europe and United States will, as we go forward, this is a plot that shows from 2016 to 2040.

ब्राज़ील जो है ब्राज़ील एक बड़ा अच्छा केस है कि के वो अब से दस साल पहले तक के वो सिर्फ गन्ने का अरख निकाल के उससे अल्कोहल बना के उसको एनर्जी इस्तेमाल करते थे ऑल बायो एनर्जी नाइन्टी परसेंट ऑफ देयर इकानमी वॉज डिपेंडेंट ऑन बायो एनर्जी अनटिल दे फाउंड ऑयल ऑफ श्योर ऑयल अब वो दे जस्ट गेव अप कंप्लीटली ऑन शुगर कैन सारी चीज़ें जो है वो ऑयल से बनती हैं अब वो इतनी बड़ी इकानमी है कि उसको सपोर्ट करने के लिए कितना चाहिए होगा अब ये चाइना को देखें आप है ना और ये बाकी चीज़ें बाकी इकानमीज़ को देखें टर्की भी अभी तक के तो काफ़ी सही था अब थोड़ा सा उसमें गड़बड़ हो गई है लेकिन ये सारी इकानमी जो है अब वो कहते हैं वेस्ट से कि आप हमें कह रहे हैं कि ऑयल नहीं इस्तेमाल करें हाँ अब वो अब ये लोग कहते हैं कि जी आपने तो करके जहाँ तक पहुँचा था वहाँ तक पहुँच गए वो अब मैं तो आप, मैं आप लोगों को एक कर्व दिखाऊँगा कि जहाँ पर कहते हैं कि आप जितनी भी जी पर कैपिटल ज़्यादा होती जाएगी तो इन्वामेंटल अफेक्ट जो है वो कम होते जाएंगे तो वो आप उस सूरत से गुजर चुके हैं और आप हमें कह रहे हैं अब कि आप ना गुजरें सूरत से तो उसका हल क्या है उसका हल है बहुत आसान हल है आसान तो नहीं है लेकिन हल है कि जितनी भी ये बड़ी इकानमी है वो सपोर्ट करें छोटी इकानमीज़ को ताकि वो जो अब जैसे पाकिस्तान का केस है अब वो जो जो काम अमेरिका में हो रहा है उसका अफेक्ट अगर पाकिस्तान में है तो क्या ये लाजिम नहीं है अमेरिका पे कि वो पाकिस्तान की इस तरह से मदद करे कि ये जो सलाब वग़ैरह जो आ रहे हैं उसके अफेक्ट को कम किया जा सके लॉजिकल बात है ना तो पाकिस्तान खैर तो एक चीज एक जगह है और भी दूसरी जगह हैं कितनी सारी जगह हैं इतनी बड़ी बड़ी इकानीज़ बढ़ती जा रही हैं कि उनको सपोर्ट करने के लिए एनर्जी सोर्स दरकार है और जो हमें सिर्फ जो सोर्स एनर्जी इस वक्त मौजूद है वो नॉन रिन्यूर, रीनल सोर्स है अब ये देखें ये लिस्ट देखें इस लिस्ट में जितने भी प्लांट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ना वो ये 2018-2019 की लिस्ट है तो जितने भी प्लांट जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है पूरी दुनिया में अब नेचुरल गैस वाले जो प्लांट हैं वो सबसे ज़्यादा हैं कि कम अज़ कम इतनी अवेयरनेस लोगों को हो गई है कि कोल से अगर चलाएँगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा तो बेहतर ये कि नेचुरल गैस से चलाएं उसकी एक और वजह है वो आपने पता नहीं नाम सुना है कि नहीं फ्रैकिंग का फ्रैकिंग जो है एक, एक नई टेक्निक है जिससे पत्थर तोड़ के उसमें से गैस निकालते हैं सारी दुनिया में हो रही अब पाकिस्तान में भी मुझे पता है कि यहाँ भी उन्होंने काम शुरू किया है उसकी बहुत सारे नुकसान हैं बहुत सारे नुकसान हैं लेकिन उसकी वजह से गैस की फरावानी इतनी ज़्यादा हो गई कि सारी चीज़ें अब गैस में उन्होंने छोड़ दी हैं अब ये देखें नेचुरल गैस विंड और सोलर तीनों जो हैं वो रीनुएबल एनर्जी दुनिया के जितने भी प्लांट्स अब डिवेल्प हो रहे हैं ना वो सारे इन में डिवेलप हो रहे हैं नेचुरल गैस विंड और सोलर और विंड का जो एक्सपेंशन हुआ है वो जब हम विंड सेक्शन में पहुंचेंगे मैं आपको बताऊंगा कि इतना ज़्यादा हुआ है कि उससे एक बहुत बड़ी उम्मीद बन गई है कि शायद हमें हमारी ज़रूरतों को उतना नहीं पूरी कर सकती जितना आ, कोल और तेल पूरी करता है लेकिन काफ़ी हद तक के पैंतालीस फीसद तक के वो कर सकते है है ना पैंतालीस के बाद क्या होगा वो आखिरी क्लास में फिर आपको समझाएंगे कि क्या होगा पैंतालीस के बाद अब ये ये तमाम लिस्ट है उन उन, उन कंट्रीज़ की जहाँ से ऑयल निकलता है है ना ऑयल रिजर्व रिजर्व की है ये निकलने वाली नहीं है प्रोडक्शन की दूसरी है अब सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा है इराक कोत इसमें थोड़ा से पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं कि कैसे वहाँ से कहाँ कितना निकल रहा है और क्यों निकल रहा है और कहाँ जा रहा है वो सारी चीज़ें हैं लेकिन उसको छोड़ के ये सिर्फ रफ नंबर है इसको आप देखें और ये जो है ये लिस्ट है जिसमें ये जितना प्रोडक्शन जो हो रही है उसमें टॉप रशिया दूसरा सऊदी अरेबिया अब ये दोनों कम्पीट करते रहते हैं अब तो आजकल रशिया का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया यूक्रेन की वजह से वरना दो और दो में इतना कॉम्पिटिशन था दोनों में मैं अभी आपको चार्ट दिखाऊँगा कि वो फ़्लिप करते जाते थे फ्लिप क्या मतलब कभी सऊदी अरेबिया की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई कभी रशिया की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई और उसकी वजह से तेल की प्राइस जो है वो नेगेटिव में चली गई नेगेटिव में इसका मतलब ये कि वो आपको पैसे दे रहे थे कि भाई ये तेल ले लो तेल का है वो रुकता नहीं है वो चलता रहता है अब वो कंजम्पशन अगर कम हो गई तो क्या करेंगे उसकी और वो प्राइस इतनी डाउन हो गई थी इन इनके कंपटीशन की वजह से कि उन्होंने बिल्कुल नेगेटिव प्राइसेस पे आ गए थे वो अभी मैं आपको उसको चार्ट दिखाऊंगा और फिर बाकी जो आप देखें नंबर थ्री यूनाइटेड स्टेट्स है उसके बावजूद जितना यूनाइटेड स्टेट्स इस्तेमाल करता है ना मैं आपको एक आगे जाके बताऊंगा उससे ज़्यादा तकरीबन पचास फ़ीसद अपनी ज़रूरियात का वो इम्पोर्ट करते हैं कहाँ से इम्पोर्ट करते हैं वो भी एक मज़ेदार कहानी है ये अब दुनिया में दो कस्म के ममालिक हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं एक वो है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ और पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में मुतल हैं और उसमें बहुत सारे लोग हैं वनजोला सऊदी अरबिया ईरान इराक़ वगैरह सारे मुल्क जो हैं वो उसमें हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि नॉन ओपेक कंट्रीज़ हैं नॉन ओपेक कंट्रीज़ के अंदर अमेरिका है रशिया है ये लोग ये सब नॉन ओपेक कंट्रीज़ हैं लेकिन ओपेक के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके पास बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है जैसे ये देखें आप ना एटी परसेंट ऑयल जो है वो ओपेक वालों के पास है तो वो कंट्रोल करते हैं प्राइस का नॉन ओपेक रशिया कुछ भी कर ले अमरीका कुछ भी कर ले ये ओपेक वाले कहेंगे कि अच्छी हम प्रोडक्शन कम कर देते हैं तो प्राइस ज़्यादा हो जाती है